तो बहन जी, किस्मत आपकी कैसे फूटी है और किस्मत तो हमारी फूटी है, हमने अपना बेटा गवाया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जहां एक्सीडेंट हुआ था ना अरविंदर का, वहां इसका मोबाइल मिला था। इससे बड़ा सबूत और कोई नहीं हो सकता। आप लोग का नहीं, मेरा नसीब फूटा है। हाँ, सच है ये, अरविंदर ने मोबाइल लिया था पर मुझसे बात करने के लिए, पर उन्होंने वो फोन मेरे नाम से खरीदा था। हो सकता है आपको एक्सीडेंट की जगह पे वो फोन मिला हो। आप लोग का नहीं, मेरा ही नसीब फूटा है। बस बेटा, इनको तेरे प्यार पे भरोसा नहीं है, कोई बात नहीं, मैनू भरोसा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तेनू अरविंदर के प्यार पे भरोसा है ना, और तेरे बच्चे को हम देख लेंगे, तुझे भी हम संभालेंगे, तू चिंता ना कर। अब बग्गा साहब, आपके होने वाले वारिस को हम ऐशो आराम के साथ पालेंगे, आप बिल्कुल फिक्र मत करो। भीख मांगनी पड़ जाए हमें चाहे, उसको हम बड़े अच्छे से पालेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं। चल पुत्र, चल। नहीं पापा, मैंने अरविंदर को अपना सब कुछ दिया, पर ये लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और तब मेरे कैरेक्टर में शक कर रहे। इससे अच्छा तो मैं और मेरा बच्चा मर ही जाते हैं। अंकल जी, आप एक काम कीजिए, आप ना मुझे मार दीजिए आप मुझे। आप मुझे और मेरे बच्चे को ना अरविंदर के पास ही भेज दीजिए। कर क्या रही है? आप मुझे मार दीजिए, आप मुझे मार दीजिए। शिखा बेटा, क्या हो गया तुझे? शिखा क्या हुआ? ओ, मैंने नहीं कुछ किया भाई। शिखा क्या हो गया? क्या हुआ? अरे पानी लाओ जल्दी। जब वो जल्दी से पानी ला के दे। शिखा, ये सब इससे अच्छे तो ना मेरी बच्ची शादी की बात ही ना छेड़ती, ऐसे मुंह बंद करके सब सहना तो ना पड़ता। भाभी जी, आप रो क्यों रहे हो? मैं हूं ना, देखो जी, मैं आपको बोल रही हूँ, कुछ भी गलत नहीं होगा, सब कुछ ठीक ही होगा, आप बस फिक्र मत करो। माँ जी, माँ जी, दाइमा आ गई। वो कुलपिन दाइबा को आपने बुलाया था ना, आइए। सत श्री अकाल बीजी, अच्छा हुआ जो आप आ गई। कैसी हो हरमन? मैं एकदम ठीक हूँ। आप जरा इसको देखेगी क्या? रुको जी, मेरी बच्ची को ना हाथ ना लगाना। हरमन बहन जी, कौन है ये? भाभी जी, आप बिल्कुल फिक्र ना करो, ये यहाँ की दाई माँ है। अरे मेरे तो तीनों बच्चे इन्होंने पैदा करवाए हैं, बहुत भरोसे की हैं। पीजी, आप देखिए ना इसको। ये बहू है हरमन तुम्हारी? ये ठीक तो है ना बीजी, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? इसको सूखी उल्टियां हुई होंगी, है ना, और पैर थोड़े भारी भारी लग रहे होंगे, थक भी जल्दी जाती होगी। हाँ हाँ, तो ये तो होगा ही, पेट से है तुम्हारी कुड़ी।
एक काम करो, इसको शिकंजी पिलाओ, इसके खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखो, सेहत अच्छी होनी चाहिए, है ना? हाँ। और बच्चा हट्टा कट्टा चाहिए तो इसको खूब घी दूध का खाना खिलाओ जी। और एक बात का ध्यान रखना, इसके आसपास का माहौल अच्छा रखना। हाँ जी। और जब भी मेरी जरूरत पड़े मुझे बुला लेना। हाँ जी बीजी। चमकू, बीजू को बाहर तक छोड़ क्या? जी। आइए दाइमा। मैं बता रहा हूँ साहब जी, मुर्दे के सिर पे घी चाटने आए हैं ये लोग। इस लड़की पे बिल्कुल भरोसा मत करिए, ये एक नंबर की पहुंची हुई लड़की लगती है। ये और इसका बाप आपको फंसाना चाहते हैं। मैं बता रहा हूँ साहब जी, थोड़ा संभल के रहिए। सही कह रहे तुम अंकित। लेकिन मैनू बिल्कुल सही नहीं लग रहा है जी। मैंने कुलप्रीत ताई जी से पक्का किया है, शिखा वाकई पेट से है। अरे तुम, मैं कहां इस बात को नहीं मान रहा हूँ, मान रहा हूँ, लेकिन शिखा के पेट में हमारे अरविंदर का बच्चा है, ये कैसे मान लूं? देखो जी, आप जो भी कह रहे हो ना वो अपनी जगह सही है, लेकिन वो अरविंदर का बच्चा नहीं है ये भी हम कैसे कह सकते हैं? मैनू तो लगता है कि शिखा जो कह रही है ना वो एकदम सच है। शिखा अब अकेली नहीं है, उसके अंदर एक जान सांसें ले रही है। ब्याह से पहले ही वो अपने होने वाले पति को खो चुकी है और कितना सताएंगे हम उसे। मैनू तो लगता है कि हमें उसे अपना लेना चाहिए जी। तेरा दिमाग खराब हो गया, उतारो नई वाली जूते। आज खाने गई तेरी अकल। तेरे को एक बार समझाया ना मैंने, मेरे को नहीं है भरोसा इस बात पे कि वो बच्चा हमारे खानदान का है, नहीं है भरोसा। देखिए जी, वो बच्चा हमारा नहीं है ये मानने की बजाय हम ये क्यों नहीं मान लेते कि वो बच्चा हमारा ही है? अरविंदर को तो हम पहले ही खो चुके हैं, लेकिन अब उस बच्चे के रूप में अरविंदर हमारे घर में फिर से वापस आ सकता है जी। देख भाई, शिखा और उसके होने वाले बच्चे के लिए ना मेरे घर में कोई जगह नहीं, तेरे को जो करना करो। देखो जी, अगर बेबी अभी यहाँ होती ना तो वो भी यही कहती जो मैं कह रही हूँ, वो शिखा को घर में रख लेती। अभी तो अरविंदर का क्रियाकर्म भी नहीं हुआ है, अगर हम शिखा को और उसके बच्चों को यहाँ से निकाल देंगे तो क्या अरविंदर की आत्मा को शांति मिलेगी? बोलिए। नहीं मिलेगी। देखिए, इसीलिए मैं आपसे विनती कर रही हूँ, बेबे के आने तक हम थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। जब बेबे आएंगी ना तो वो जो कहेंगी जैसा कहेंगी हम वैसा कर लेंगे, ठीक है? तब तक आप शिखा को यहाँ रहने दीजिए ना। हाँ ठीक है। इतना बोलती है ना, कंफ्यूज कर देती है आदमी को। बड़े बुजुर्ग कह गए कि औरतों की बातों में आके ना आदमी कान का कच्चा हो जाता है, कितना बोलती है। ठीक है, जो ठीक लगता कर। ठीक है जी, मैं जा रही हूँ उसके पास। जा। तो यहाँ चुपके हमारी बातें सुन रही थी? हाँ नहीं, वो मैं ये मैं क्या कर रही है? जा जाके शिखा के लिए शिकंजी बना के लेके जा, चल जा, जा। शिखा तू ए की किताई, मैं तेनु अरविंदर नु अपने जाल विच फसाने नु बोलिया सी, तो तू जाके ओदे जाल विच फस गई। वो तो चला गया, देख तेरा की हाल करके गया है। मम्मी आप तो धीरे बोलो, भूल जाती हो क्या? अभी भी उनके घर में बैठे हैं। आप एक बात ना अपने दिमाग में बिठा लो, आज इस बच्चे की वजह से ही जान बची है मेरी, वरना कब की मैं भी अरविंदर के पास ही पहुंच गई होती। मम्मी आप देखना, ये बच्चा ना मुझे सिर्फ इस घर में सहारा नहीं देगा, बल्कि इस घर का सारा राजपाट भी ना मेरे हाथों में देगा। ना ना, मैंने तो बहुत डर लग रहा है, इस घर के लोग इतने खतरनाक हैं, और सबसे ज्यादा खतरनाक है वो बड़ा वाला बग्गा। एक बार उसका दिमाग घूम गया ना, फिर तो रवि बचाए। नहीं नहीं मम्मी, मैं अपने प्लान से पीछे नहीं हटूंगी, मैं अपना प्लान पूरा करूंगी यहाँ रह के। पर कैसे?